वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं टू टेबल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन मींस कि यहाँ पे अब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस हैं और एक से ज़्यादा आपके पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं। इससे पहले भी हमने टू टेबल डिज़ाइन किए थे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ऑपरेटर था, डिसजंक्शन था या कंजंक्शन था या इम्प्लाइज था या निगेशन था। अभी एक स्टेटमेंट हम देख रहे हैं जिसमें सब यूज हुआ है, तो अब देखते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल हम कैसे डिजाइन करें। तो अगर सब चीजें एक साथ आ जाती हैं तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरतीब से सॉल्व करेंगे। पहले हम निगेशन सॉल्व करें या डिसजंक्शन सॉल्व करें या कंजंक्शन। तो इसके लिए कोई रूल होना चाहिए, जैसे कि मैथ्स में रूल होता है। मैथ्स में आपने कभी ऐसा रूल देखा होगा कि अगर आपने 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो अब क्या करें, पहले एडिशन करूं या मल्टीप्लीकेशन करूं। या तो अगर यहाँ ब्रैकेट्स बने होते तो काम आसान हो जाता है। अगर यहाँ ब्रैकेट है तो इसका मतलब है पहले आपने एडिशन करना है। यहाँ ब्रैकेट होता तो इसका मतलब होता है कि पहले हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, ना हमें ये बता देंगे पहले हमने एडिशन करना है, ना ये बता देंगे मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं अपना रूल जो कहता है कि सबसे पहले आप करेंगे मल्टीप्लाई। सो 3 4 12 और जो भी आंसर आएगा देन बाद में एडिशन करते हैं। तो ये रूल है कि अगर मल्टीप्लाई और एडिशन है तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन आप बाद में एडिशन करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास अब यहाँ पे भी रूल है कंपाउंड स्टेटमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर्स में कि आप सबसे पहले क्या काम करें, आप निगेशन सॉल्व करें, कंजंक्शन या डिसजंक्शन। तो वो रूल की तरतीब ये है कि अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं तो सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सॉल्व करेंगे निगेशन। अगर आपके इसमें कहीं भी निगेशन है, सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बनाते हुए निगेशन सॉल्व करें, देन कंजंक्शन है, फिर डिसजंक्शन है, एंड इम्प्लीकेशन, देन बाय कंडीशनल। तो अगर बाय कंडीशनल भी है आपके स्टेटमेंट में और कंजंक्शन में, तो आप कंजंक्शन पहले सॉल्व करेंगे और बाय कंडीशनल सबसे एंड में। तो इस तरतीब से हम काम करेंगे। तो दोबारा चलते हैं अपनी स्लाइड पे जहाँ पे तो ट्रुथ टेबल हम डिजाइन करते हैं अपना कंपाउंड प्रोपोजिशन का। तो इसके लिए वो तरतीब आप याद रखें जो भी हमने डिस्कस किए, पहले निगेशन, फिर कंजंक्शन, फिर डिसकंशन, देन इम्प्लाइज एंड देन बाय कंडीशनल। तो इसी तरतीब से हम काम करेंगे और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निगेशन क्यों सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब भी आप कंपाउंड स्टेटमेंट का प्रोपोजिशन डिजाइन ट्रुथ टेबल डिजाइन करें, आप पहले ये देख लें कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोपोजिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है फॉर वन प्रोपोजिशन, अगर मेरे पास सिर्फ पी होता, तो अगर सिर्फ पी है और हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर P एंड Q दो प्रोपोजिशन है, जैसे कि इस केस में हमारे पास दो प्रोपोजिशन है, तो इन दो प्रोपोजिशन में कितने आउटकम हो सकते हैं, या तो दोनों ट्रू होंगे, या एक ट्रू एक फॉल्स होगा, या एक फॉल्स एक ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितने। इसी तरह अगर तीन है, P Q एंड R, थ्री प्रोपोजिशन है, तो अब कितने आउटपुट बन सकते हैं। तो ये चीज देखने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 raised to the power 1। एक प्रोपोजिशन है 2 की पावर 1, और ये बेस 2 इसलिए लिया है क्योंकि 2 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो 2 raised to the power 1 मीन्स हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स है। अब यहाँ पे दो प्रोपोजिशन है तो 2 क्योंकि पॉसिबल आउटकम ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसलिए 2, और इसकी पावर 2 इसलिए ली क्योंकि दो प्रोपोजिशन है, तो हमारे पास 4 इनपुट हो सकते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। 3 प्रोपोजिशन अगर किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो इट बिकम 2 raised to the power 3। अब आपके पास 8 पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं। तो जब हम ये केस करेंगे पी क्यू आर 3 फॉर 3 प्रोपोजिशन, देन हम डिस्कस करेंगे क्या 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिलहाल हमारे केस में ये वाला है, तो हम करते हैं ओके, दिस इज ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आपके पास 2 प्रोपोजिशन है। देन अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ इन्होंने कहा है सबसे पहले आप देखें कि हमें निगेशन क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि वैसे पी डिसजंक्शन निगेशन क्यों फाइंड आउट करना है, लेकिन जो तरतीब अभी मैंने समझाई थी उसमें निगेशन क्यों सबसे पहले था। तो हम ये जो क्यू स्टेटमेंट है इसका निगेशन ले लेंगे इस कॉलम में, तो ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, एंड फॉल्स स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। देन हमें लेना है P और Q, तो यहाँ पे आ रहा है P और
निगेशन क्यू, इट मींस हमें पी इस कॉलम का निगेशन क्यू से और ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना है। और ऑपरेटर कहते हैं कोई एक भी ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ ये ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, इट बिकम्स ट्रू। दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, इट बिकम ट्रू। दिस इज फॉल्स एंड दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, इट बिकम्स ट्रू। बट बोथ कंडीशन, ओ सॉरी, यहाँ पे इसको नहीं, ये आपने ज़रूर देखना है गौर से कि आपके पास जिस कॉलम पे हम काम कर रहे हैं वही हो। फॉल्स फॉल्स, क्योंकि अब हमें ये और इसका देखना था। फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, ठीक है। अगेन चेक कर लें, ट्रू एंड फॉल्स बिकम ट्रू, ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स बिकम फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू बिकम ट्रू, ठीक है। तो ये पी और निगेशन क्यू डिजाइन हो गया। अब हम आते हैं पी एंड क्यू पे। तो पी एंड क्यू में हमें देखना है पी कॉलम एंड क्यू कॉलम का एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर कहता है कोई एक भी अगर फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स बिकम फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू बिकम फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स बिकम फॉल, ठीक है। देन हमारे पास है, अब ये भी सॉल्व हो गया, ये हमने काम किया है इस तरह, ये भी सॉल्व हो गया, ये हमने सॉल्व किया इधर। और हमारी तरतीब कहती थी कि आप इम्प्लाई सबसे एंड में यूज करें, अगर कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, निगेशन है, तो सबसे एक सॉल्व करने के बाद बारी आएगी इम्प्लाइज की। तो अब हम इम्प्लाइज को सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज को सॉल्व करने के लिए ये पूरा स्टेटमेंट एज अ पी है और ये पूरा स्टेटमेंट क्यू है, जैसे हमने कहा था ना पी इम्प्लाइज क्यू। तो अब ये पूरा स्टेटमेंट मीन्स ये पूरा कॉलम जो आपके पास है, ये पूरा कॉलम आपके पास एज अ पी नोटेशन है और ये पूरा कॉलम क्यू नोटेशन है, क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू से याद की ये चीज। तो आप ये टर्म करें, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इफ देन दिस। तो इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू देन द रिजल्ट बिकम ट्रू। तो वी कैन राइट हियर ट्रू, ओके। इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, प्रीमाइसेस इज ट्रू बट कंक्लूजन इज फॉल्स। तो दिस इज द ओनली वन केस व्हेन पी इंप्लाइज क्यू बिकम फॉल्स। तो हम यहां पे अब लिख देते हैं फॉल्स। ओके, अब देन दिस इज फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स बिकम ट्रू इन इम्प्लीकेशन, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स बिकम ट्रू। इफ इफ दिस इज नॉट देन दिस इज नॉट द कंडीशन, इस तरह जो हमने पढ़ा था, तो हम इसमें भी लिखेंगे ट्रू। एंड इफ दिस इज ट्रू, प्रीमाइसेस इज ट्रू बट कंक्लूजन इज फॉल्स, देन दिस स्टेटमेंट बिकम फॉल्स। तो ये आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन को सॉल्व करने का, ट्रुथ टेबल सॉल्व करने का प्रोसीजर है। इसी की प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्रैक्टिस मेक मैंस परफेक्ट। तो हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी, 3-4 प्रोपोजिशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं इसे। तरतीब यही रहेगी, पहले आप सबसे पहले निगेशन सॉल्व करते हैं, फिर कंजंक्शन, फिर डिसजंक्शन, देन इम्प्लाइज एंड देन बाय कंडीशनल। ये तरतीब याद रखें, कॉलम्स को ध्यान से देखेंगे किस कॉलम का ऑपरेशन किस कॉलम से हो रहा है, कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर कॉन्टेंट।